चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर में अक्सर मच्छर मारने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग नामों से बाजार में बिकती हैं। कोई जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, आप उसको लगा देते हैं, कोई तो टिकिया के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई तो कॉइल के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉइल के रूप में मच्छर मारने वाली कोई भी दवा इस्तेमाल करें, टिकिया के रूप में इस्तेमाल करें या लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करें, उनमें जो इस्तेमाल होने वाला केमिकल है वो डी एथिलीन है, वो मेल्फोक्वीन है और वो फॉस्फीन है। ये तीन खतरनाक केमिकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं और ये तीनों केमिकल यूरोप और अमेरिका के 56 देशों में बंद है और 20 साल से बंद है। हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते हैं। मैंने कई घरों में देखा 2 महीने के 3 महीने के छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और उनके नजदीक में वो कॉइल जल रहा है जिसका धुआं नाक के रास्ते से बच्चे के फेफड़े में उतर रहा है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये मच्छर मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को मार देती हैं। कई बार क्या होता है, मच्छर तो इनसे मरते नहीं है, मनुष्य मर जाते हैं जिनके लिए ये दवाएं इस्तेमाल हो रही। और ज्यादातर इन दवाओं का व्यापार, डी एथिलीन का व्यापार, फॉस्फीन का व्यापार हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है और वो अंधाधुंध केमिकल इंपोर्ट करके लाके बेच रहे हैं और भारत की कुछ स्वदेशी कंपनियां भी बनाकर उनको बेच रही हैं। तो आप जरा सोचिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम ये चीजें इस्तेमाल करना बंद करिए। फिर आप बोलेंगे मच्छर तो है, उनका तो क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी लगा के सोइए। स्वदेशी है, सस्ती है, क्वालिटी में अच्छी है, सारे देश में उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम मिलती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक बार खरीदी तो 20-25 साल चलेगी। और तरह तरह की मच्छरदानियाँ आने लगी हैं, अब तो वो डंडे वाली ज़रूरत नहीं है, एक हुक में लटका दीजिए वो आती है, आप ऐसे खोल के सो जाइए आती है, नहीं तो चादर की तरह से ओढ़ के सो जाइए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मच्छर मारने वाली दवा से तो अच्छी है, मच्छर मारने वाली दवाएं खरीदें, विदेशी कंपनियों को मुनाफा दें, उससे अच्छी अपनी मच्छरदानी है। और आप चाहें तो एक छोटा प्रयोग और करके देख सकते हैं। नीम होता है ना, नीम का तेल बाजार में मिलता है, तो नीम का तेल ऐसे जलाएं दीपक के रूप में, एक दीपक ले लें, उसमें रुई की बाती बनाएं, नीम का तेल जला के दीपक को रख दें, वो दीपक जितनी देर जलेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं आएगा। इतना सस्ता और सरल उपाय। नीम का तेल बाजार में 30-40 रुपए लीटर मिलता है, 1 लीटर तेल खरीदेंगे बड़े आराम से 3-4 महीने चलता है। और दूसरा एक तरीका है, गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती और गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्तियां भी बाजार में अब आ गई हैं, कई गौशालाएं उनको बनाती हैं, उनको जलाकर आप सो जाइए, वो भी मच्छर को भगाती हैं और क्वालिटी में मच्छर अगरबत्ती से अच्छी। अगर गाय के गोबर की अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएंगे तो पैसा किसी गौशाला को मिलेगा और उससे गाय की रक्षा होगी और गाय की रक्षा के बाद अंततः देश की ही रक्षा होने वाली है। और अगर आप मच्छर अगरबत्ती खरीदेंगे तो पैसा किसी विदेशी कंपनी के पास जाएगा और उस पैसे से आपका भी नुकसान, देश का भी नुकसान हो जाएगा।